हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जो गाड़ी है वो है हुंडई वर्ना 2018। इसमें हमने सीएनजी किट इंस्टॉल की है। अब मैं आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड देता हूं कि इस गाड़ी में किस तरह से इंस्टॉलेशन हुई है, काम किस तरह से हुआ है, क्या चीज़ें कहां लगी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल्ड है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि इसमें क्या क्या लगा है, कहां कहां लगा है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे रेल, ये है इंजेक्टर रेल। रेल का काम होता है पर्टिकुलर सिलेंडर्स में इन पाइप्स के थ्रू गैस को पंप करना। ये है मैप, ये है रिड्यूसर। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को इंजन के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। ये है गेज, गेज का काम होता है जो गाड़ी के अंदर स्विच लगा हुआ होता है सीएनजी का, उसमें पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को इंडिकेट करना कि कितनी गैस गाड़ी में अभी बची है और कब रिफिल कराना है गैस को। ये आप देख सकते हैं, ये है ECU, बेसिकली ये माइंड होता है सीएनजी सिस्टम का। ये जो आप लीड देख रहे हैं ये काम आती है जब हम गाड़ी की ट्यूनिंग करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू। ये है एडवांसर, एडवांसर का काम है सीएनजी और पेट्रोल के बीच में जो लैग है, जो डिफरेंस है, उसको मिनिमाइज़ करना। और ये एक वाइट रंग का जो आप प्लग देख रहे हैं ये बेसिकली इमरजेंसी प्लग है। इसका काम है कि बाई चांस अगर आपका एडवांसर काम करना बंद कर दे तो उसकी वायरिंग हार्डनेस इस प्लग को इंस्टॉल कर दिया जाता है और गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी दोनों पे ही स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह का काम हुआ है, सारे पाइप्स प्रॉपरली स्लीव्स के थ्रू कवर्ड है, कोई कुछ एक्सपोज नहीं है, सारी वायर्स प्रॉपरली स्लीव्ड है, टेप्ड है, ताकि किसी भी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट या मैल फंक्शन गाड़ी में ना हो पाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने गाड़ी का स्विच कहाँ इंस्टॉल किया है, किस तरह से वो फंक्शन करता है। यह है सीएनजी का स्विच, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की एक लाइट ब्लिंक कर रही है। जब ये लाइट स्टेबल हो जाएगी दैट मींस कि गाड़ी अब सीएनजी पे है। ये देखिए इस टाइम ये स्टेबल हो गई है तो ये सीएनजी पे है। अभी गाड़ी में गैस कम है इसलिए आर पे लाइट जल रही है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी के RPM स्टेबल हैं, कोई चेक इंजन लाइट नहीं आ रही। अब मैं इस गाड़ी का AC ऑन कर देता हूं। अभी भी आप देख सकते हैं कि RPM एकदम स्टेबल है, कोई चेक इंजन लाइट नहीं आ रही। गाड़ी का AC ऑन है, मैं दोबारा दिखा रहा हूं, गाड़ी CNG पे है, रेड वाला पॉइंट ऑन है क्योंकि गैस कम है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वरना की डिक्की में कितना स्पेस बचता है सिलेंडर के इंस्टॉल हो जाने के बाद। आप देख सकते हैं इतना स्पेस बचता है वरना में, बहुत अच्छा स्पेस निकल के आता है वरना में। इसमें हमने 12 किलो का सिलेंडर लगाया है। ये रहा पीछे सिलेंडर, देख सकते हैं प्रॉपर स्लीव्स लगी हुई हैं पाइप्स में, ये स्पेस बचता है वरना में। अब एक छोटी सी ड्राइव पे जाते हैं और गाड़ी के ओनर से पूछते हैं कि गाड़ी किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, पिकअप वगैरह में क्या फ़र्क आया है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि वरना में किस तरह से इंस्टॉलेशन हुआ है, कितना बूट स्पेस बचा है, कैसे कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ लगा है। अब जिनकी गाड़ी है उनसे पूछते हैं कि इंस्टॉलेशन के बाद या इंस्टॉलेशन उनको कैसा लगा और इंस्टॉलेशन के बाद गाड़ी का क्या रिस्पॉन्स है और उनको कैसी लग रही है गाड़ी चलाने में, बताइए भाई। हेलो भाई, सबसे पहले तो गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही है। देखो मेरे को अभी तक पता नहीं चल रहा बिल्कुल CNG या पेट्रोल में कुछ फ़र्क है, 19-20 का होता है बट मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इससे। और गाड़ी में काम कैसा हुआ? काम भैया फिटिंग एकदम बढ़िया है, सारी इन्होंने वायरिंग बिल्कुल सिक्योर करके छुपा उपा रखी है बिल्कुल, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैंने मेरा फ़ायदा रहा आने का इतनी दूर। अच्छा, परफॉर्म सही कर रही है पिकअप वगैरह? बहुत बढ़िया भैया, गोली एकदम, मैं बहुत खुश हूँ। तो आपने भाई का रिव्यू सुन लिया, फीडबैक सुन लिया, वो बहुत खुश हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि मोस्टली लोग CNG पे स्विच करें ताकि एनवायरनमेंट भी ग्रीन रहे, पैसा भी बचे, फ्यूचर के लिए लोग अपने पैसे को सिक्योर कर सकें और टेंशन ना लें कि भाई CNG बेकार चीज़ है, बहुत तंग करती है, परेशान करती है, बशर्ते अच्छी सी इंस्टॉलेशन हुई हुई हो, अच्छे से ट्यून हुई हो। CNG गाड़ी फ्लॉलेस चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। सो स्विच टू CNG,
सेव योर प्लैनेट, गो ग्रीन एंड सेव योर मनी फॉर योर फ्यूचर। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।